श्री राधे। धनतेरस त्रयोदशी, धन त्रयोदशी कहते हैं उसे हम, महालक्ष्मी और कुबेर का विशेष पर्व माना जाता है। ये सम्मिलित है था। दीपावली मात्र महालक्ष्मी की, लेकिन धनतेरस महालक्ष्मी और कुबेर की है। इस दिन आप अपने घर में नई वस्तुएं लेकर आई है जिससे महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। जैसे कि जैसे हम कहते हैं, कुछ लोग बर्तन लेते हैं किचन के लिए। रसोई में किसका पूजन होता है? अन्नपूर्णा का। तो अन्नपूर्णा के देवी के हिसाब से हम रसोई में जो नए बर्तन आते हैं वो महालक्ष्मी के स्वरूप में ही आते हैं। दूसरा, हम तिजोरी की बात करें तो तिजोरी में आप क्या लेकर आएंगे? तो भाई चांदी के सिक्के, चांदी का कोई भी सामान आप ले लीजिए, रकम ले लीजिए, ज्वेलर ले लीजिए या फिर आप सिक्के ले लीजिए। क्यों? क्योंकि महालक्ष्मी का वास चांदी में माना जाता है। चांदी का ले सकते हैं, जो सक्षम है वो स्वर्ण का भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी का विशेष पर्व माना जाता है। दूसरी बात, आप स्पेयर पार्ट, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक चीज कहें, उस दिन व्यक्ति मोबाइल भी ले सकता है, कंप्यूटर लेता है, लैपटॉप लेता है। ये भी मतलब कहने का, आपके घर में जो भी आपको सामग्री की जरूरत है, आवश्यकता है, आप अगर उसको लेकर आते हो, महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाएगा धनतेरस के दिन। वैसे तो इस दिन जो रखने वाली चीज, देखिए स्पेयर पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज कभी ना कभी खराब हो जाएंगे, आपको उसको निकालना पड़ेगा। महालक्ष्मी का घर से विदा नहीं करते हैं उसे कभी, इसलिए आप क्या लेकर आइए वो आपको बता देता हूँ। तो आप लाइए कमलगट्टा, कमलगट्टे में महालक्ष्मी का वास होता है, आप उसको लेकर आइए। धना लाइए, धान की लाइए, लाई लाई जो आती है उसको लेकर आइए। काली हल्दी है, हल्दी की गठान है, मखाने हैं, इनको लेकर आइए। पर करें क्या इस सब चीजों का, इन्हें आप लेकर आइए। उस दिन आप पूजन करिए धन्वंतरी कलश के साथ में, और इन्हें लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये वर्ष भर, जीवन भर यदि आपके पास रखी रहेगी। हाँ, अब आप कहें कि हर वर्ष हम ये प्रयोग करें क्या? हर वर्ष आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिस दिन आपने ये सामग्री का पूजन कराया, तो अगले वर्ष इसी दिन धनतेरस के दिन आप क्या करिए, दोबारा से ये सब सामान लेकर आइए, इनका पूजन करें। और जो हमने पिछले वर्ष करा था उन्हें आप, आपके यहाँ पर जो भी समीप में नदी सरोवर तालाब जो भी, उसमें आप उसका प्रवाहित कर दीजिए। तो आपके घर से लक्ष्मी विदा नहीं हुई। अब देखिए एक बात और छोटी सी बात बता दूंगा कि प्राय हर व्यक्ति बाजार से मिट्टी की महालक्ष्मी लेकर आता है, लाता है, रखता है, और फिर आप उसको क्या करेगा, रखी रहेगी साल भर आपके यहाँ पर। तो करना क्या है, हम क्या करते हैं कि जब दूसरी लाते हैं तब पहली वाली की विदा करते हैं, तब हम उसे विसर्जन करते हैं। उसी प्रकार जो आप ये सामग्री लेकर आएंगे धनतेरस पे, तो धनतेरस पे जो सामग्री लाते हैं, इसे अगले वर्ष जब आप नया सामान ले आए तब इसका पूजन करें, फिर पुरानी वाली चीज सामग्री का आप विसर्जन कर दें। इस प्रकार आप उस दिन जो भी सामग्री लीजिए, अवश्य चांदी का सिक्का लीजिए, किचन का सामान लीजिए, रसोई का सामान लीजिए, या धार्मिक जो चीजें मैंने आपको बताई लीजिए, अवश्य लेने से घर में बरकत बनी रहेगी। 5 मिनट का समय निकालिए और अवश्य जाइए और लेकर आइए। श्री राधे।